Hey guys, very good morning and welcome back to my vlog that is Kiran Rathod Vlogs. और आज है मंडे मॉर्निंग, पीयू जा रही है स्कूल एंड शो यू योर न्यू बैग. मेरा पीयू का न्यू बैग जो कि एग्जाम टाइम में लेके जा रही है. और इसको किसने गिफ्ट किया था? इसको आशु भैया ने. आशु भैया मान लो, मामू सा मान लो. और इसके सब मतलब यहाँ पे मेरे को ये बात अच्छी लगती है कि इसके यहाँ पे एक चेन है. बहुत सारी चेंज है इसमें और बहुत प्यारा है ये. और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है? तो ऑल द बेस्ट भी हूँ, है ना. और देखो मैंने अभी तक बेस्ट पहन रखा है. चलो अब पीहू पे जाने का टाइम हो गया. आज मैंने चिमनी को स्टार्ट किया, थोड़ी सी किचन की सफाई कर रही हूँ. तो जो चिमनी का सारा तेल सोक करने वाला जो होता है वो मैंने चालू किया, तो थोड़ी थोड़ी देर में चालू होता रहेगा. तो आज मैं थोड़ी सी किचन की अच्छे से सफाई करने वाली हूँ. दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा एक बार अभी कर लेती हूँ, एक बार दिवाली से पहले कर लूँगी मैं. तो बस अब पीहू जा रही हूँ नीचे. टाटा बाय बाय. नीचे से भिंडी ला देना मेरे को, भिंडी बनाऊँगी मैं आज. लेकिन ये एक बात गलत है, बॉटल नहीं रख सकता. हाँ इसमें बॉटल नहीं आती. और ये देखो मेरा एक कान का कहीं गिर गया, देखना पड़ेगा कहाँ गिरा. मेरा अपने गोल्ड वाले निकलवा के आ गई और ये नकली पहन रखे हैं. मामा एक वाला वो जो काटा है ना वो तो हाँ मतलब उसमें है, एक नहीं काटा है वो सही सलामत है. वहाँ पे आप ही ने रखा है. यहाँ आपको ध्यान भी नहीं रहता. देखो सुबह सुबह बारिश आ रही है, पूरा गीला हो रखा है यहाँ से. हाय हाय हाय. पीहू कर रही है अभी सुबह सुबह अपने नेल्स को कट. जल्दी कर, गाड़ी आने वाली. बेटा दिखाओ. हाँ जल्दी कट कर, फटाफट से कट कर. छींटे आ रहा बारिश के. हाँ ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है ना, ठंड हो गई. बाय, ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, खमा करनी सा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे. हम भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं. और अभी देखिए मैंने नेक्स्ट डे भी अभी बेस पहन रखा है, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था कि 24 आवर्स तक मैं सिर्फ बेस ही पहनूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं पहनूंगी. सो हेयर आई एम. एंड अभी बस नहा धो के पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट करके सब कुछ करके मैं फ्री हो चुकी हूँ. पीहू एग्ज़ाम देने गई है. एंड आई होप कि उसका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हो. कई बार क्या होता है बच्चे ना आते हुए भी ना छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हैं. बस मुझे उन्हीं चीज़ का डर है कि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करके आएँ, क्योंकि मैथ्स में अगर छोटी छोटी मिस्टेक करेगी तो सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो बाकी तो देखो भगवान भरोसे है. और आज मैंने, चलिए पहले मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आपको कि आज मैंने कौन सा सूट पहना है. तो एक सेकंड. तो ये वाला सूट पहना है मैंने, ये भी एक दो बार मैं पहले पहन चुकी हूँ. बट मुझे ये अच्छा लगता है, कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा लहरिया टाइप है तो, और कंफर्टेबल है, कॉटन का है, तो मैंने इसलिए आज ये पहना है. और मैंने आज कुछ और सूट्स वगैरह जो मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, मम्मी ने दिए थे, तो वो सब मैंने निकाले हैं. तो मैं सोच रही हूँ कि इनको सिलवा के ही रख लूँ, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कभी मुझे ऐसे अचानक से पहनना पड़ जाए तो मैं क्या पहनूँगी. तो इसलिए मैंने निकाले हैं थोड़े से सूट वगैरह जो अभी रिसेंट में मम्मी ने दिए थे या फिर जो भी. तो दिखाती हूँ मैं आपको. तो ये दिया था मम्मी ने जब पापा का रिटायरमेंट था शायद, तब दिया था. तो ये रहा इसकी, ये प्योर का है जो इसकी ओढ़नी है, लुगड़ी जो है वो प्योर की है. साथ में ये है इसका पूरा, ये इसकी मंगजी है. ये सपना की मम्मी ने मुझे दिया था अभी नहावन पे. ये भी मैं सोच रही हूँ, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी सिलवाने का सोच रही हूँ. ये अभी मम्मी ने मुझे राखी पे दिया था, ये भी बहुत सुंदर कलर है. इस टाइप का एक है, वो भी मम्मी ने दिया था मुझे, वो थोड़ा सा लाइट कलर है. और उसको जैसे इसका ओढ़ना 3-4 रंग का है, वो सिंगल कलर का है. बट मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा तो इसलिए मैं ये भी सिलवाने वाली हूँ अभी. और ये अभी राखी पे भाभी सा ने दिया था, कॉटन का है, ये भी बहुत सुंदर है. ये तो सबसे पहले सिलवाऊँगी क्योंकि कॉटन का है. ये मम्मी ने लहंगा दिया था, इसके ऊपर का जोड़ ओढ़ना लेके आऊँगी मैं. ये पूरा 4 मीटर वाला है, ये मैंने लास्ट
सर्दियों में लिया था सिलवाने के लिए, बट सिलवाया नहीं था। अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, आप बताना ऐसा मुझे सिलवाना चाहिए कि नहीं सिलवाना चाहिए। मुझे ये है कि कहीं कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं हो, चुभे नहीं, मेन चीज़ वो है कि चुभे नहीं कहीं। तो देखना पड़ेगा, मम्मी को दिखाऊंगी या तो, क्योंकि उनको थोड़ा पता चलता है, मैं पहनती नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, मम्मी जी को दिखा दूँगी, नहीं तो ये चुभे नहीं बस। तो ये है एक, और एक ये भी, इसकी ओढ़नी मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, तो ये भी है, इस पे भी प्योर का ओढ़ना ही है। तो ये सब मैं अब सिलवाने वाली हूँ, ये सब मैंने सोचे हैं कि अब मैं सिलवाऊंगी, और बाकी अब मुझे फटाफट से मेरे काम पे लगना है, कुछ कुछ वीडियोस बनाने थे, उसके अलावा कुछ कॉल्स वगैरह आए हुए थे उनको वापस से कॉल करने, क्योंकि मैं अभी अपने काम में नहाने धोने में इन सब में लगी थी तो मिस हो गया वो सब कुछ। तो अब मैं जल्दी से वो करती हूँ, और प्लस आज पीहू टाइम से ही आ जाएगी क्योंकि 11:30 फ्री हो जाएगी वो स्कूल से एग्ज़ाम के बाद, डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद छुट्टी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 12:30 तक पीहू आ जाएगी। तो आते ही थोड़ा सा उससे पूछूंगी एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्योंकि फ़र्स्ट एग्ज़ाम था तो ऑफकोर्स वो भी टेंस्ड होगी। तो आते ही थोड़ा सा उसको पैम्पर करूँगी और खाना वाना खिला के, और फिर अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका इंग्लिश का, उसकी प्रिपरेशन करने में बिठाऊँगी। इंग्लिश में मुझे ये है कि हाँ उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, बट स्टिल थोड़े से क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बना के दूंगी ताकि प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए उसकी। तो चलिए अब लगते हैं काम पे। आज स्कूल से जल्दी हो गया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। अभी लग रही है मेरे को भूख, मैं मम्मा से पूछता हूँ मम्मा क्या बना रही है, पूछता हूँ क्योंकि मम्मा बहुत देर से किचन में है, तो पूछता हूँ भूख लग रही है क्या बना रहे हो अभी। तो बेटा मैं जूस निकाल रही हूँ, जूस पीना है आपको? हाँ। और मैं इसलिए जल्दी भी निकाल रही हूँ ना, थोड़ा सा लेट निकालती क्योंकि राज के ना जुकाम हो रखी है, उसको खांसी हो रखी है, तो मैं चाह रही हूँ उससे आने से पहले हम पी लें, यहाँ से सारे नामों निशान भी हटा दे ताकि जल्दी नहीं करी पीने की। और आपने अभी तक बेस पहन रखा है? बस मैं निकालूंगी, मैंने 12 बजे तक का बोला था। और हाँ, काफी लोगों ने मुझे मतलब कुछ लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है, कुछ ने बोला कि ना अच्छा नहीं लग रहा है आपके ऊपर सलवार सूट देख। और आ जाओ इधर पास में, नहीं आपको पूरा रखा रहा था, आपके पास सलवार सूट वेस्टर्न वेयर ये ज्यादा अच्छा लगता है। रीजन बीइंग हैप्पी हूं को भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है। रीजन बीइंग ये कि मैं कभी पहनती नहीं हूं, तो मुझे कैरी करते हो लाऊं ना, आप बहुत ज्यादा ही लाते हो कैमरा को। क्या बोल रही थी मैं, हाँ रीजन बीइंग कि मुझे, मैं पहनती नहीं हूँ तो मुझे हैबिट नहीं है, प्लस लेटेस्ट ट्रेंड वाले भी बेस नहीं है मेरे पास जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, प्लस जो इंसान पहनता नहीं है उसको अच्छे से कैरी भी नहीं करना आता, और हमें भी हैबिट नहीं होती उस इंसान को वैसे देखने में, मतलब आप लोगों को भी हैबिट नहीं है मुझे इस रूप में देखने में, और मुझे खुद को भी हैबिट नहीं है अपने आप को, प्लस पीहू को भी बिल्कुल वो कभी भी इससे पूछो कि नहीं मम्मा प्लीज आप तो वेस्टर्न वेयर पहनो, मेरे स्कूल जाओ तो प्लीज जीन्स में जाना, या सलवार सूट भी नहीं पहनने देती है। तो वही है कि मुझे खुद को भी हैबिट है, और मुझे कैरी भी उस हिसाब से करना आता है, लुक भी उसी हिसाब से लेना आता है। तो ये था, बट आप सब ने डिमांड किया था इसलिए मैंने पहना, बट बीच बीच में पहनती रहूँगी, मुझे लगता है कि मुझे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पहनना चाहिए। हाँ। हर चीज़ मतलब होनी चाहिए तो ताकि मैं और अच्छे से इस चीज़ को कैरी कर सकूँ, क्योंकि बहुत ही ग्रेसफुल अटायर है, बहुत ही अच्छा है, तो अगर मैं इसको मतलब रेगुलर पहनूंगी तो मुझे भी हैबिट होगी इसको पहनने की, दैट्स इट। बट अभी मैं चेंज करने वाली हूँ क्योंकि मेरे 2-3 शूट्स हैं अभी, क्योंकि मुझे कम्प्लीट करने हैं। और आपका चैलेंज कब का कम्प्लीट हो गया? और आज शाम को एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। कौन सा? 5 बजे। नो, बताना नहीं है, लगभग 5 बजे के आसपास, अगर हो सका तो जल्दी डाल देंगे, नहीं तो 5 बजे इज द मैक्सिमम टाइम। अच्छा जब तक आपके पास ये आएगा तब तक तो आ चुका होगा वीडियो। क्या? ये व्लॉग तो कल जाएगा ना। हाँ। और वो वाला वीडियो तो मैं आज शाम को डालूंगी ना। अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगी कि शाम के वाले में कुछ नया हटके आपके लिए लेके आऊँ, कुछ नई चीजें। और हाँ, कुछ लोग है ना कमेंट करते हैं कि है ना आप है ना बहुत इतरा के बोलते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, तो मैं सही बता दूँ आपको कि ये ओवर एक्टिंग नहीं है, दिस इज़ द वे आई ऑलवेज स्पीक, तो दिस इज़ वेरी मच नेचुरल। जैसे कुछ लोगों का नेचुरली जो टोन होता है वो आता है, मुझे मारवाड़ी नहीं आती और ना मुझे वो टोन आती है। रीज़न बीइंग कि हम लोग कभी भी मतलब फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान में रही थी जब मैं 11th क्लास में आई थी, तो मेरा जो स्कूलिंग है सब मेरा महाराष्ट्र से, जम्मू से, अलग अलग जगह से हुआ है, तो मेरा टोन ही यही है।
शायद मैं अगर राजस्थान में पढ़ी होती शुरू से तो शायद मेरा टोन मतलब जैसा नॉर्मली राजस्थान के लोगों का होता है वैसा होता, बट वैसा नहीं है, ये नेचुरल ही है। और ये शायद आपको दिख जाएगा क्योंकि अगर कोई बना के बोलता है या इतरा के बोलता है या जानबूझ के ओवर एक्टिंग करता है तो वो थोड़े दिन कर सकता है, हमेशा कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो आप खुद ही जज कर लेना कि अगर मैं हमेशा इसी टोन में ही आपसे बात कर रही हूँ तो मतलब दैट इज़ वेरी मच नेचुरल टू मी। तो बस वही है। बट हाँ, मारवाड़ी मुझे नहीं आती है, जो चीज़ मैं सीखना भी चाहती हूँ, बट शायद अब मेरे लिए वो मुश्किल होगा सीखना, क्योंकि हमारे घर में भी ऐसा नहीं है कि कोई मारवाड़ी बोलता है, ना मेरे पापा मम्मी, ना मेरे सास ससुर, ना बच्चे, ना पति, कोई भी मारवाड़ी नहीं बोलता है। हाँ, कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बोलते हैं बीच बीच में, तो उनके साथ जब मैं होती तो या संगति का असर जैसे कि आप बोलते हो तो मेरे मुँह से ज़रूर दो चार मारवाड़ी शब्द निकलते हैं, और मारवाड़ी शब्द मेरे मुँह से ऐसे निकलते हैं कि जो कि वापस से सुनने लायक नहीं होते हैं। तो आई रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग सच वर्ड्स बिकॉज फिर वो अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है इसलिए। सो या जिनको लगता है कि ओवर एक्टिंग है या मैं बना बना के बोलती हूँ, सो दिस इज़ नॉट एन ओवर एक्टिंग, दिस इज़ जस्ट माय नेचुरल एसेंट और नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीकिंग, दैट्स इट। और अभी बन रहे हैं हमारे पॉपकॉर्न, और पीहू बैठी है यहाँ पे। अच्छा मम्मा सुनो, हाँ पॉपकॉर्न तो बन रहे हैं, हाँ पॉपकॉर्न के साथ अगर जूस, नहीं अभी नहीं बेटा, रात हो गई, रात को जूस नहीं पीते। हाँ। नहीं ऐसे बोलना, लेट्स गो। मैं नहीं बोला। क्या मैं कहाँ जा रहे हो आप? पॉपकॉर्न खा लेना नीचे जाके, ठीक है? जा, दीदी के साथ भेज दिए मैंने आपके पॉपकॉर्न नीचे, जाओ गुस्से वाले महाराज, जाओ जल्दी जाओ। तो अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और मैं अब लेके जा रही हूँ बच्चों को अंदर सोने के लिए। पीयू को भी नींद आ रही है क्योंकि मैं इनको टीवी नहीं देखने दे रही हूँ, अदरवाइज रात के 12 बजे तक जगते रहते हैं। वैसे भी नींद आ रही है तो अंदर चलते हैं सोते हैं। रात चले जब आप सो रहे थे ना, दीदी भी सो रही थी, आंख बंद करके आप भी सो रहे थे, मैंने क्या करा? क्या करा? कैसे रात मैं अकेले चला गया। कहाँ? बाहर। माँ के पास? नहीं तो नीचे। अच्छा तो माँ के पास ही तो ना नीचे। ऐसे अकेले मत जाएगा, मेरे को बता के फिर जाएगा, फिर मम्मा उठेगी, फिर मम्मा ढूंढती रहेगी, अरे मेरा बेबी कहाँ गया, अरे मेरा बेबी कहाँ गया, फिर मम्मा परेशान हो जाएगी ना राजा बेटा। तो मैंने गेट बंद करा था तो मैंने गेट को क्या करा? क्या करा? कब की बात है ये? मैंने ना मैंने बाहर से लॉक लगाया था। अच्छा, मैंने उसको खोल लिया। नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करना, चलो पीयू सोने चलते हैं, पीयू को भी नींद आ रही है। और आज पता नहीं क्यों पूरे घर में ना कल से हो रखी चीटे चीटे, अब मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई है तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है, और अभी सोने के बाद में सोते समय भी चीटियों का आता हूँ। तो बस अभी हमने एक शूट किया था बैग वाला, वो आपको कल देखने को मिलेगा, मैंने सोचा था कि आज हो जाएगा बट वो नहीं हो पाया, एडिटिंग बची है उसकी, तो मैं रात को करूँगी और कल करूँगी उसको मैं अपलोड। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, और अभी इन दोनों को सुला के फिर मैं सोचूँगी एक दो वीडियोस और बना लिए जाए क्योंकि कल छुट्टी है इनकी, तो सुबह जल्दी उठने का लोचा नहीं है। तो छुप रहा है लड़का, शर्म आ रही है इसको, किससे शर्म आ रही है? मम्मा से। तो यस सो लीव इट, जो जो लोग अप्रिशिएट करते हैं उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू तहे दिल से। और बस अब आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और कल का बड़ा स्पेशल डे है क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको जब भी तक ये ब्लॉग आएगा तो कल का दिन स्टार्ट हो चुका होगा। लगी एक मिनट तो कल का, हाँ चल सुना सुना। कल कल अपन उठे थे, क्यों उठे थे बताओ? क्यों उठे थे? अपन दीदी और मैं उठा था। कब उठे थे ना? भूकंप आया था तो कल थोड़ा आया था, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई भूकंप। हाँ, वाली तो मैं साइकिल चलाई थी। हाँ तो फिर रात को 4 बजे उठ के साइकिल चलाता, मैं आपने मुझे आप मुझे उठाते तो मैं ऐसे तोड़ता ही रहता हूँ उठा लेके। हाँ तो चलिए कल का दिन बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, तो मेरी तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की खूब खूब शुभकामनाएं। कल है बेटा, कल है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की।
गणेश जी आप सब पे अपनी कृपा बना के रखें, और कल का दिन हमारे लिए भी बड़ा अच्छा है क्योंकि मैं खुद गणेश जी को बहुत मानती हूँ। और ये जो ये है ना, ये छुटका मेरा, छुटका छुटका छुटका, तो मम्मी जी, हाँ उसकी मैं बात बताऊँगी कल आपको, इसके पीछे की क्या कहानी है, गणेश चतुर्थी मतलब मेरे लिए क्यों स्पेशल है। नहीं लेती क्योंकि दीदी बड़ी बच्ची, अच्छी बच्ची है, आप गंदे बच्चे बन रहे हो अभी। तो गणेश चतुर्थी मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल क्यों है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कल का दिन बड़ा स्पेशल होने वाला है, कल मैं कहीं पे जाऊँगी भी, वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, ये वाला ब्लॉग मैं अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।